ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ द ऑप्सटल डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए की साइज़ क्या होनी चाहिए तो हमें दिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी। उसमें से राइट ऑप्शन है सी शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ वेवलेंथ जिस ऑर्डर की रहती है मतलब वेवलेंथ जितनी रहती है उतना ही वो ऑप्स्टल की क्या होनी चाहिए साइज होनी चाहिए कैसे मैंने आपको ऑलरेडी फिगर बताइए कि भाई किसमें फ्रॉन ऑपर डिफ्रैक्शन पैटर्न में कि ये है सोर्स सोर्स जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है सोर्स ऑफ लाइट यस और ये बेटा क्या रहती है बोलो स्लेट रहती है ये वाली बेटा स्लीट ये देखो ये स्लिट तो स्लिट की जो विर्थ है ये हम डी लेते हैं ओके हाँ फिर हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया था यहाँ स्क्रीन स्क्रीन पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलते मिलता है हमने तीन रेज ली थी कितनी रेज ली थी तीन रेज ली और ये इस लेंस पे वो कॉन्वर्ज हुई तो ये मैंने आपको बताया है हाई ना किसी को टिल्ट किया किसी को टिल्ट किया तो ये ये पॉइंट मिलता है पी है ना? और ये सेंट्रल ब्राइट यस ये पी पॉइंट इसके बीच का डिस्टेंस ये यस? पी को हम एक तो यंथ डार्क या यंथ ब्राइट लेते हैं यस और फिर हमें यहाँ पे ये क्या मिलता है रे बाबू रे बोलो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है क्लियर क्या तो यहाँ सुनो बेटा ये जो स्लीट है स्लीट ये स्लीट जो है ये यस वन और ये यस टू तो ये स्लिट की जो विर्थ है या साइज है उतनी ही यहाँ से निकलने वाला जो लाइट है ये लाइट की जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ ये लाइट वे उसकी वेवलेंथ ये लैमड़ा तो ये लैमड़ा इज नियरली इक्वल टू डी होना चाहिए लैमडा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव और डी यानी ये स्लीट यानी स्लीट के साइज दोनों सेम ऑर्डर में होनी चाहिए क्लियर क्या तो इससे क्या होगा सर सेम ऑर्डर में रही तो तो ये जो क्या डिफ्रेक्शन पैटर्न है ये आपको अच्छे क्वालिटी का अच्छे कंट्रास्ट लेवल का मिलेगा इसकी जो आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगी वो एकदम हाई क्वालिटी की मिलेगी इसलिए ये होना चाहिए इज नियरली इक्वल टू डी या इक्वल टू डी इन दोनों की सेम ऑर्डर होनी चाहिए दोनों इक्वल होनी चाहिए यस अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ इज इंसिडेंट ऑन ए स्लीट ऑफ विड ए यस रे बाबू ये देखो ये सोर्स ऑफ लाइट इसकी वेव लेंथ लैमड़ा और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है तो जब कोई लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आता है हमारे और तो वो कौन से वेव फ्रंट के रूप में आता है बाबू प्लेन वेव फ्रंट तो ये कौन रे बाबू रे प्लेन वेव फ्रंट कौन सा रे बाबू प्लेन वेव फ्रंट हाँ अच्छा और ये स्लिट जो देखा है देखो ये स्लीट स्लीट की विर्थ यानी डिस्टेंस यानी लेंथ ये हम जनरली डी से लेते हैं लेकिन यहाँ अभी उन्होंने ए बोला है तो ठीक है ए यस तो स्लीट ए दी है तो द एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इज प्रिंसिपल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ कितनी अरे ये ऑलरेडी फाइंड करके रखी है रे बाबू ये एंगुलर विड्थ ये विस प्लस एक्स टू एक्स ये क्या हो गई रे लीनियर विड्थ क्या हो गई लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ एंगुलर ये लीनियर लीनियर से ही क्या फाइंड की जाती है बोला एंगुलर ये देखो डब्ल्यू सी लीनियर विथ टू एक्सल्यू सी टू टू एक्स की वैल्यूमरा डी बाई स्मॉल डी और इसी डब्ल्यू सी को ये डी से डिवाइड किया तो यहां क्या बचता है टू लैमरा अपॉन डी और इसी को बोला जाता है थ्री टा यानी एंगुलर विफ सेंट्रल मैक्म सी एन ए सेंट्रल और थ्री यानी एंगुलर विड आप बोलेंगे सर यहां अगर हमें एंगुलर विथ दिखानी है तो इसी प्रकार से दिखानी पड़ेगी ये वाली थ्री टा सी ये एंगुलर एंगुलर विड ये लीनियर एंगुलर वो उसका एंगल रहता है ये बस लीनियर लेंथ के रूप में रहती है और ये एंगल के रूप में रहती है तो लेंथ लेंथ के रूप में तो ये आपको मालूम है डब्ल्यू सी टू एक्स या फिर डी और एंगल के रूप में ये बेटा बस डी जो है वहां से हट के इधर आ जाता है तो डब्ल्यू सी बाई डी यानी थ्री टा सी थ्री टाइन एंगुलर वीड तो ऑपोर्ट सेंट्रल मैक्सिमा ये बाबू रे बाबुरे, ये बाबू ये देखो सेंट्रल मैक्सिमा ये रे दादा रे बाबू धीसा ये ये फर्स्ट डार्क राइट का और फर्स्ट डार्क लेफ्ट का इसके बीच का डिस्टेंस तो अगर लेंथ वाइज गिनोगे लेंथ वाइज गिनोगे लेंथ वाइज गिनोगे तो ये है लीनियर विर्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डब्ल्यू सी और एंगल के रूप में गिनोगे तो फिर थीटा सी तो इसमें डब्ल्यू सी में डी होता है कैपिटल और इसमें कैपिटल डी नहीं होता है तो इसका फार्मूला पूछा तो यही ना रे बाबू रे टू लैमडा अपॉन डी टू लैमडा अपॉन डी तो ऑप्शन बताओ फिर कौन सा रे बाबू ऑप्शन बी यस उसके बाद में सामने वाला एम सी क्यू जो है वो देखो यस तो प्रॉब्लम फॉर ए पैरल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैमडा डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस बाय सिंगल स्लीट ए ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट अरे बार बार बता रहा वही तो ये सोर्स ऑफ लाइट इसकी ये, स्लीट, स्लीट की ए, और ये, ये देखो लिखा ही है ना बाबू लैमड़ा और ये व्यर्थ कैसी रहती रे बोला रे सेम अब ये व्यर्थ डी के जगह ए बोला है तो नो प्रॉब्लम लैमड़ा इज इक्वल टू ए ये होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए क्योंकि ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो एकदम हाई क्वालिटी का मिले उसका कंट्रास्ट लेवल पिक्चर क्वालिटी लेवल एकदम हाई लेवल की हो टीवी देखते वक्त क्या बोलते हो टीवी मार्केट में लेने के लेके क्या बोलते हो पापा के साथ लेके गए तो पापा देखते हैं टीवी कोई ऐसी भी फिर आपको बोलते क्या बहू पसंद है नहीं एच डी चाहिए एच डी यी तो पापा पाप, पाप बोलते अब थे भरपू महा यून देयचे सुंदर ते दे हे नाही पाहिजे घरी त्याला वापस आएगा समझ में यस तो कैसी क्वालिटी रे बाबू हाई क्वालिटी आएगा समझ में यस तो सामने क्या बोला है देखो फिर तो सामने बोला है इफ डी इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट हां स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी तो विट्रल मैगजिमा विल अरे सेंट्रल मैक्सिमा की रहे, ये डब्ल्यू सी क्या डब्ल्यू सी ट्वाइस एक्स यानी डब्ल्यू सी इक्वल टू टू लैमरा डी अपॉन स्मॉल डी बोलो बोलो ऑप्शन बोलो ऑप्शन ए है रे बाबू कौन सी ऑप्शन ए ऑप्शन क्लियर यस इन ए फ्रॉन हॉपर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लीट यही बेटा ये देखो

तो हमें बोला है कि जो डिफ्रैक्शन बैंड्स कह रहे बाबू डिफ्रैक्शन बैंड्स 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 के पास क्या होती है सरबैंड होती है जिसको हम फ्रिंजिट बोलते हैं जिसका फॉर्मूला हमारे पास है कैपिटल एक्स इक्वल टू अभी बताया आपने कैपिटल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स इक्वल टू लैमरा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी हाई ना तो वही से आंसर मिलेगा अब मैंने आपको क्या बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यानी लाइट वेव का स्पेक्ट्रम बताया बताया कि नहीं रे बाबू रे क्या स्पेक्ट्रम बताया बताओ बरस क्या है स्पेक्ट्रम तो देखो ये भिझूर. क्या रे बाबू विभग्योर अब बाबा आब विभग्योर तो ये वायलेट मतलब ये वायलेट तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज कौन से रे रे? अल्ट्रा वायलेट रेज ये एक्स रेज, रेज ये गैमा रेज और ये, ये कॉस्मिक रेज हाँ, हाँ, ये सब डेंजर जोन है रे बाबू हाँ और इनविजिबल है क्या है ये सिर्फ विजिबल है और इसके अब जो है रेड के वो इन्फ्रा रेड रेज और इसके ऊपर मिस्टर यानी यमार तो ये माइक्रोवेव्स और ये वेव्स है ना क्लियर क्या ये वेव्स तो यहाँ बेटा वेवलिन जो है वो क्या होती जाती है लैमडा इंक्रीजेस यानी यहाँ लैमडा क्या है मिनिमम और यहाँ लैमडा क्या है मैक्सिमम कॉस्मिक रेज के लिए लैमडा मिनिमम और रेडियो के लिए लैमडा मैक्सिमम तो ये पूरा का पूरा ये जो स्पेक्ट्रम हमने ड्रॉ किया ये है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या सादी भाषा में लाइट वेव्स क्लियर है बाबू अब ये पूरा चार्ट तो मैंने आपको ड्रॉ कर दिया पूरे चार्ट की हमें आवश्यकता नहीं अभी हमें सिर्फ क्या दिया है कौन से कौन से लाइट दिए हैं पहला कौन सा येलो येलो येलो, येलो बरबर बोलो एलो येलो 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 और दूसरा ब्लू ब्लू ये वाला ब्लू तो पहले एलो था उसकी वेवलेंथ ज्यादा ना रे बाबू हाँ। क्योंकि वेवलेंथ क्या होते जा रही है इंक्रीज, आ? इंक्रीज होते जा रही है तो येलो की वेवलेंथ ज्यादा ब्लू की कम तो हमें डिफ्रैक्शन बैंड्स डिफ्रेक्शन बैंड्स अब डिफ्रेक्शन बैंड हो या इंटरफेरेंस बैंड हो तो उसकी बैंड का फॉर्मूला क्या है बोला टू यक्वल तो टू लैमडा डी बाई स्मॉल डी अब पूरे प्रॉब्लम में हमें कैपिटल डी और स्मॉल डी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है कैपिटल डी यानी स्लीट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कुछ बोला नहीं मतलब कॉन्स्टेंट स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी यानी ये ये स्लीट की विड्थ जो कि हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं अभी स्मॉल डी तो इसके बारे में कुछ बोला है प्रॉब्लम है नहीं मतलब कांस्टेंट अरे तो ये कैपिटल डी कांस्टेंट स्मॉल डी भी कॉन्स्टंट हाँ तो यक्स का रिलेशन लैमड़ा के साथ क्या आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो लैमडा के साथ होगा वही एक्स के साथ होगा लैमडा के साथ क्या हुआ यह बताओ तो सर पहले येलो लाइट था बाद में ब्लू लाइट तो वेवलेन तो सर डिक्रीज हुई क्या हुई रे तो यक्स भी क्या होगा डिक्रीज होगा क्या होगा यानी बैंडविड्थ क्या होगी डिक्रीज होगी डिक्रीज हाँ या ना बोलो बोलो तो ऑप्शन बताओ फिर ऑप्शन आएगी कौन सी रे बाबू हाँ डी ऑप्शन बिकम्स नैरोर नैरोर यानी छोटा रे बाबू और ब्रॉड यानी बड़ा अरे बाबा रे यक्स डिक्रीज हुई तो नैरोर बनेगी ना बाबू क्या बनेगी नैरोर और अगर उल्टा पूछा होता तो रे इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता था हाँ मतलब ब्लू पहले और बाद में येलो तो लैमड़ा क्या हुआ होता तो डिक्रीज के जगह फिर क्या हुआ होता इसके जगह इंक्रीज हुआ होता तो ये इंक्रीजेस तो ये भी फिर इंक्रीजेस है न तो फिर वहा वो शब्द नहीं आता क्या बिकम्स न्यारोर नहीं फिर आता बिकम्स ब्रॉड ब्रॉड शब्द आता ब्रॉड ये शब्द आता है ना लेकिन अभी के लिए जो आपको प्रश्न पूछा उसके लिए रे बाबू तो देखो इसके ऊपर दो क्वेश्चन बने रे बाबू बने कि नहीं हाँ उसके बाद सामने का क्वेश्चन देखो हा फॉर फ्रॉन हॉपर डिफ्रैक्शन टू ऑकर फ्रॉन हॉपर डिफ्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए एबीसीडी ऑप्शन दी है क्या होना चाहिए ये बोला है लाइट सोर्स शुड बी एट इंफिनिटी बी बोला है बोथ सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी एट इंफिनिटी सोर्स और स्क्रीन दोनों इंफिनिटी पे होने चाहिए सी बोला है ओनली द सोर्स शुड बी एट फाइनाइट डिस्टेंस और डी बोला है बोथ सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी एट फाइनाइट डिस्टेंस बोलो ऑप्शन ऑप्शन बी ऑप्शन ए नहीं आपको कंफ्यूज कर रहा है प्रॉब्लम ऑप्शन बी ऑप्शन बी बोथ सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी एट इंफिनिटी अरे ये सोर्स और ये स्क्रीन दोनों एक दूसरे से कहा होनी चाहिए इंफिनिटी पे होनी चाहिए एक दूसरे से कहा होनी चाहिए इंफिनिटी आपको बोला क्या स्लिट से शब्द यूज किया क्या उन्होंने स्लिट कि स्लिट से भाई कौन कितने दूर दूरी पे होना चाहिए स्लिट बोला क्या वहां पे स्लीट बोला क्या वहां पे नहीं बोला स्लिट बोला क्या वहां पे नहीं बोला स्लिट नहीं बोला तो दोनों सोर्स और स्क्रीन कैसे होनी चाहिए इन्फिनिटी पे होनी चाहिए है ना ये उधर और ये इधर दोनों एक दूसरे से कैसे डिस्टेंस पे होनी चाहिए दूरी दोनों दूरी हाँ, वहां अगर शब्द यूज करते हुए करते होते क्या स्लीट से कितने तो फिर वो ऑप्शन ये आती कि भी स्लीट से सोर्स इंफिनिटी पे और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे फाइनाइट यानी कम डिस्टेंस हाँ यह डिस्टेंस ज्यादा नहीं रहता है ज्यादा ज्यादा एक से दो मीटर के दरमियान रहता है लेकिन स्लीट से लेकिन उन्होंने स्लीट शब्द यूज किया क्या उसमें उन्होंने बोला फ्रॉन ऑपर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलाने के लिए ये सोर्स और ये स्क्रीन कैसे होनी चाहिए नहीं कैसे होनी चाहिए इन्फिनिटी पे क्या होनी चाहिए और यहां अगर शब्दों यूज करते क्या स्लीट से कहा होनी चाहिए तो फिर ऑप्शन ये आती स्लिट से कहा होनी चाहिए तो भाई सोर्स इंफिनिटी पे होना चाहिए स्क्रीन तो पास होनी चाहिए डिस्टेंस पे, लेकिन नहीं तो दोनों अभी स्लेट का शब्द उन्होंने यूज़ किया तो सोर्स और स्क्रीन दोनों एक दूसरे से कैसे होनी चाहिए इन्फिनेटिव पे क्या रे बाबू इन्फिनेटिव पे।, पे यस लाइट ऑफ वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन स्लिट ऑफ विड दी डी हाँ ये देखो बाबू ये सोर्स ऑफ लाइट यहां से लाइट इंसिडेंट किया इस स्लीट पे स्लीट की आपको दी है डी मैंने बताया आपको एक तो स्लिट की दी दी जाती है या कभी कभी ए दी जाती है नो no प्रॉब्लम हाँ द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन ए स्क्रीन प्लेस एट ए डिस्टेंस डी हाँ ये स्क्रीन जो स्लीट से डी इतने डिस्टेंस पे रखी वहां ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न भी ड्रॉ है ऑलरेडी यस yes. तो द लीनियर ऑफ़ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू ऑफ़ द स्लीट देन डी इक्वल टू ब्लैंक तो एक कंडीशन दी है कि लीनियर विथ सेंट्रल मैक्सिमा की बाबू रे सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विद ये लीनियर विड लीनियर विद डब्ल्यू सी इक्वल टू कितनी होती है हाँ हाँ ये थीटा सी भी हटा देता हूँ ये वीड था डब्ल्यू सी वीड था कितनी होती है टू एक्स हाँ ये राइट साइड की x लेफ्ट साइड की x तो टोटल कितनी हुई टू एक्स हाँ तो ये देखो डब्ल्यू सी इक्वल टू टू एक्स है या ना यस yes. तो हमें बोला है कि कैपिटल D की वैल्यू क्या है कंडीशन क्या दिए बेटा हमें कि यही जो लीनियर विड है सेंट्रल मैक्सिमा की इज इक्वल टू द विड ऑफ द स्लिट क्या है बाबू स्लिट की विड स्मॉल डी हाँ तो वो ये बोल रहा है कि ये डब्ल्यू स्मॉल डी है और ये टू और एक्स की वैल्यू तो मालूम है आपको लेमरा डी बाय स्मॉल डी अरे बस आ गए अगले स्टेप में आंसर आपको किसकी वैल्यू पूछी कैपिटल डी की हाँ किसकी अब इसके माध्यम से वो कैपिटल डी भी पूछ सकता था दूसरा क्वेश्चन लैमडा भी पूछ सकता था तीसरा क्वेश्चन स्मॉल डी भी पूछ सकता था लेकिन पहले क्या पूछा वो फाइंड करके देता हूँ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते थे कुड भी आस्क वो भी बताता हूं हाँ तो ये अभी कैपिटल डी पूछा है तो आप बोलेंगे सर ये डी इधर ले लो तो डी इन टू डी डी स्क्वेर हाँ हाँ और ये टू और लैमडा इधर ले लो तो लेफ्ट इक्वल टू राइट सो राइट इक्वल टू तो डी स्क्वेयर बाय टू लैमडा ये रे बाबू आंसर चेक कर लो ऑप्शन हाँ। कौन सी ए अच्छा इसी के जगह अभी वो ये भी पूछ सकता था कि भाई इससे लैमड़ा फाइंड करो लैमड़ा लाइट की वेवलेंथ ये लाइट की वेवलेंथ ये भी पूछ सकता था तो फिर क्या होता है बाबू ये लमड़ा वैसे ही इक्वल टू ये डी स्क्वेर और ये टू डी नीचे ये तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइटर फोर राइट इक्वल टू लेफ्ट ये भी पूछ सकते थे आंसर तो ये है कौन सा ऑप्शन बोला ये वाला ये ऑप्शन हा ये लेकिन ये भी पूछ सकते थे वो या यहाँ और तीसरा बता देता हूँ या वो पूछ सकते थे स्मॉल डी कितना हाँ तो ये मैं डी को इधर लेके गया तो ये हो गया डी स्क्वेयर इक्वल टू टू लैमडा डी दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लो टेकिंग स्क्वेयर रूट वही गेट तो ये डी बज गया और इधर ये रूट टू लैमडा डी ये आता रे बाबू तो देखो प्रश्न एक है लेकिन उसके उसको पूछने के जो स्वरूप है फॉर्म है वो अलग अलग है हमें ये पूछा था कैपिटल डी कितना तो उसका ऑप्शन ए क्लियर बाबू लाइट ऑफ 600 मीटर नैनो रे बाबू रे नैनो टेन टू पावर माइनस नाइन मीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्लीट ऑफ विथ जीरो पॉइंट टू मिलीमीटर ये देखो ये सोर्स ऑफ लाइट इसकी वेवलेंथ लमरा ठीक है ये स्लीट के ऊपर क्या की इंसिडेंट की परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलर ना ये आईसी और स्लीट ऐसी दोनों एक दूसरे को क्या है बाबू परपेंडिकुलर तो तो है बादू, बादू बादू। दुण। 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 ना यस यस तो द एंगुलर विड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ए बाबू बाबू रे बाबू एंगुलर थ्रीटा सी लीनियर विथ डब्ल्यू सी वो होती है टू लैमडा डी अपॉन स्मॉल डी और एंगुलर विथ में अं कैपिटल डी नहीं रहता है थ्री टासीवल टू टू लैमडा बाय स्मॉल डी हा तो ये देखो, d d, ये देखो फॉर्मूला है लेकिन ये लीनियर विद के लिए हमें यूज नहीं करना है हमें यूज करना है ये थ्री टासी क्या यूज करना है तो ये जो है ये डी नहीं रहता ये टू लैमडा अपॉन स्मॉल डी हा यस तो डेटा से मिलाने के लिए आपको लैम्डा और डी की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको प्रॉब्लम में दिया है ना बाबू कितना दिया है बताओ बराबर ये साइड वर्क में देखो यहाँ साइड वर्क तो लैम्डा आपको दिया है कितना 600 नैनोमीटर चेक कर लो वैल्यू बराबर है कि नहीं तो यस तो ये 620 नैनो 10 टू द पावर 2 नैनो यानी 10 टू द पावर -9 मीटर तो 62 -9 यानी -7 मीटर क्यों रे बाबू रे और उसके बाद दूसरी वैल्यू भी दी है डी ने बाबू ये स्लीट की वीट याम याम, हाँ, d, याम याम, तो बोलो कितनी जीरो पॉइंट टू यम हाँ स्मॉल डी जीरो पॉइंट टू यम तो जीरो पॉइंट टू वैसे यमएम मिली मीटर यानी टेन टू दी पावर माइनस थ्री मीटर और ये पॉइंट जीरो पॉइंट टू को यहाँ इसको एक डिजिट सामने लेके गया तो ये टू एक डिजिट सामने तो टेन टू दि पावर माइनस वन ये ऑलरेडी टेन टू दर माइनस थ्री मीटर टू इंटू टेन टू दावर माइनस फोर मीटर ये देखो d की वैल्यू तो लैमड़ा की वैल्यू मिल गई d की वैल्यू मिल गई रखो यहाँ पे तो टू इंटू लैमडा की वैल्यू सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन और ये बेटा टू इंटू टेन टू दावर माइनस फोर टू टू हो गए कैंसल सिक्स टेन टू दावर माइनस फोर चले गए अपन टू द पावर प्लस फोर टेन टू दावर माइनस फोर चले गए आप तो तुम मत बैठो गाप, इधर बताओ तो ये प्लस फोर तो ये हो गया सिक्स इंटू टेन टू दि फोर माइनस थ्री थ्री टासी बाबू एंगल रेडियन में रहता है किस में रहता है बोलो रेडियन में यही है बाबू आंसर देखो 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 आंसर बताओ ऑप्शन ए ए ए ऑप्शन ए क्लियर या प्लेम एंगुलर विड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंगुलर विड रे बाबू ऑफ सेंट्रल मैग्जीमा इन द फ्रॉन हपर डिफ्रैक्शन फॉर लैमरा इक्वल टू सिक्स थाउजेंड एमस्ट्रॉन्ग या फिर एमस्ट्रॉग यूनिट इज थ्री टाइरो वेन द सेम स्लीट इज इल्यूमिनेटेड बाय अनादर मोनोक्रोमेटिक लाइट द एंगुलर विथ द डिक्रीजेस बाय थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट से क्या होती है डिक्रीज तो बची कितनी सेवेंटी परसेंट इनिशियल इसमें हंड्रेड परसेंट अगर हम कंसिडर करते हैं थर्टी परसेंट अभी डिक्रीज होगी तो कह रहे बाबू बची कितनी सेवेंटी परसेंट तो द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इज तो दूसरी केस में जो लाइट यूज किया उसकी वेवलेंथ कितनी तो एंगुलर विथ ये मैंने बताया बार बार बता रहा हूँ बेटा ये वाला सेंट्रल मैग्जीमा क्या रे बाबू रे ये वाला सेंट्रल मैक्सिमा ये उसकी रे हाँ लीनियर वर्थ है न डब्ल्यू सी जो कि क्या होती है एक्स प्लस एक्स टू एक्स होती है है ना लेकिन हमें क्या बोले बोला है एंगुलर वर्थ क्या बोला है तो फिर से वही कि लीनियर वर्थ डब्ल्यू सी क्या होती है टू एक्स यानी डब्ल्यू सी इक्वल टू टू एक्स की वैल्यू एक्स यानी बैंड लैमड़ा डी अपॉन स्मॉल डी है ना यस बरबर तो ये लीनियर वि ये फार्मूला यूज नहीं करना है ये आपके रेफरेंस के लिए यूज किया हाँ हाँ तो ये डी जब इधर लाते तो ये डब्ल्यू सी अपॉन डी इक्वल टू टू लैमडा अपॉन स्मॉल डी ये हो जाता है थ्री टा सी डब्ल्यू सी यानी लीनियर विट यानी लीनियर डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट का और वही एंगुलर डिस्टेंस थ्री टा सी क्लियर करे बाबू तो थ्रीटा सी इक्वल टू टू, टू लैमडा अपॉन डी तो हमें फार्मूला ये यूज करना है तो पहली दूसरी तीसरी स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं आपके रेफरेंस के लिए फिर से डबल मैंने बता दिया है तो थ्रीटा सी इक्वल टू टू लैमडा अपॉन डी क्लियर किया हाँ तो पहले तीन स्टेप की जरूरत थी नहीं आपको समझाने के लिए मैंने बताया तो ये आप हटा दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं तो थ्रीटा सी एंगुलर विथ थ्रीटा एंड एंगुलर विथ सी यानी ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा इक्वल टू टू लैमड़ा अपॉन डी अच्छा अब यहाँ दो केसेस दी है और दोनों केसेस ये वेवलेंस से रिलेटेड है लैमडा से ये वहाँ स्मॉल डी यानी स्लीट की विड के बारे में कुछ बोला नहीं गया मतलब वो कौन है कांस्टेंट है तो स्मॉल डी कौन है रे बाबू कांस्टेंट है और टू तो नंबर है वो तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैमड़ा अब यह दो केसेस है इसलिए रे बाबू दो केसेस है इसलिए रे बाबू थ्रीटा सी वन अपॉन थ्रीटा सी टू इक्वल टू लैमडा वन अपॉन अपोना टू है हयाना तो पहला जो बेटा आपको ये दिया है क्या दिया है एंगुलर विट दी है हा? वो कितनी दी है तो आप बोलेंगे नहीं नहीं एंगुलर विट थ्रीटा जीरो दी है क्या दी है तो दूसरी जो है वो थर्टी परसेंट कम की ऑलवेज ख्याल में रखो ये साइड वर्क में बताता हूँ साइड वर्क हंड्रेड परसेंट को नंबर सिस्टम में वन लेते हैं तो थर्टी परसेंट कम की तो कितना रहा है सेवनटी परसेंट सेवनटी परसेंट फिर कितना होगा जीरो पॉइंट सेवन तो थ्रीटा सी टू ये है जीरो पॉइंट सेवन इनिशियल वैल्यू के थ्रीटा जीरो क्लियर क्या तो थ्रीटा सी वन ये थ्रीटा टा जीरो थ्रीटा सी टू ये जीरो पॉइंट सेवन थ्री जीरो लैमड़ा वन दिए रहे बाबू सिक्स थाउजेंड एमस्ट्रॉन्ग यूनिट उसको बदलेंगे नहीं एमस्ट्रॉग यूनिट उसी में रखेंगे क्योंकि आंसर हमें एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में फाइंड करना है तो लैमडा टू वैसे ही कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो कैंसल थीटा जीरो थ्री जीरो क्लियर इधर लिखता हूँ तो ये क्या हो गया वन अपॉन जीरो पॉइंट सेवन इक्वल टू सिक्स थाउजेंड अपॉन लैमडा टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो लैमडा टू इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन इंटू सिक्स थाउजेंड टू इक्वल टू सेवन सिक्स कितना होता है रे फोर्टी टू तो ये आ गया फोर टू जीरो स्ट्रॉन्ग यूनिट चेक करो और आंसर बताओ ऑप्शन सी ऑप्शन यस द फर्स्ट मिनिमम ऑफ ए सिंगल स्लीट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व एट एंगल टू डिग्री विद ए लाइट ऑफ वेवलेंथ सिक्स नाइनटी एट नैनोमीटर ये देखो बाबू ये लाइट इसकी वेवलेंथ दी है आपको और इससे आपको ये डिफ्रेक्शन पैटर्न मिला और डिफ्रेक्शन पैटर्न में आपको बोला कि फर्स्ट मिनिमम ये देखो फर्स्ट मिनिमम ये फर्स्ट मिनिमम दिखा तो फर्स्ट मिनिमम का एंगल दिया है सेंट्रल ब्राइट बरोबर सेंट्रल ब्राइट और ये फर्स्ट डार्क इसका लीनियर डिस्टेंस बोला तो आपको मालूम है यक्स कह रहे बाबू लेकिन एंगुलर डिस्टेंस बोला तो थ्रीटा सिर्फ थ्रीटा थ्रीटा सी नहीं थ्रीटा सी ये रहता है सिर्फ थ्रीटा ये इतना तो ये दिया है टू डिग्री क्या दिया है सर, डिग्री तो ये सर सीजियस यूनिट है हाँ उसको रेडियन में यानी ऐसा यूनिट में बदलेंगे हम ओके तो यहां से यहां तक का लीनियर नहीं एंगुलर डिस्टेंस दिया है मतलब एक्स नहीं दिया है क्या दिया है थ्रीटा दिया है थ्रीटा दिया है, है बाबू कितना रे बाबू टू डिग्री अच्छा टू डिग्री दिया है तो हमें बोला क्या है प्रॉब्लम में तो हमें प्रॉब्लम में बोला गया है दर्थ ऑफ दीट इज तो उस स्लीट की विर्थ कितनी ये स्लीट की यानी ये है बाबू ये स्मॉल डी पूछी तो बोलो बरा ये थ्री क्या रहता है तो पहले तो यक्स आप मुझे बताओ x क्या रहता है हाँ हाँ ये यहाँ बताता हूँ ये वैल्यू दिया रहने दो एक्स इक्वल टू क्या होता है लेडा डी बाय स्मॉल डी हा या ना लेमड़ा डी बाय स्मॉल डी तो ये डी इधर लाया तो एक्स अपॉन डी इक्वल टू लैमडा स्मॉल डी और ये एक्स अपॉन डी यानी होता है रे बाबू थीटा क्लियर क्या तो so, ये लैमडा डी बाय स्मॉल डी क्लियर पहला ही पूछा है ना रे बाबू हाँ इसलिए ये लैमड़ा के साथ या मल्टीप्लिकेशन में वन वन देने की जरूरत नहीं दूसरा पूछा होता ये अगर पूछा होता रे बाबू ह हाँ? क्लियर तो यहाँ पे हाँ यहाँ टू आता क्लियर क्या टू लैमडा तीसरा पूछा होता है तो थ्री लैमडा हाँ तो अभी पहला ही पूछा है तो थ्री इक्वल टू लैमडा बाई डी यस तो लैमडा तो हाँ इधर ये देखो ये साइड वर्क के रूप में लेते हैं साइड वर्क तो हमें क्या पूछा है रे बाबू डी पूछा है तो डी इधर लैमडा थ्री इधर तो डी इक्वल टू लैमडा अपॉन थ्री यस तो डी तो वैसे ही लैमड़ा और थ्रीटा की वैल्यू थ्रीटा कितना दिया है बोलो बड़ा प्रॉब्लम में तो आप बोलेंगे सर टू डिग्री टू डिग्री डिग्री है सी यूनिट है उसको रेडियन में बदलो तो आप बोलेंगे सर टू और रेडियन में बदलने के लिए पाए बाय वन रेडियन ख्याल में रखो रे बाबूरे डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाए बाय वन क्लियर क्या तो ये टू और ये नाइन्टी यानी पाए बाय नाइन्टी रेडियन हाँ ये हो गया और फिर लैमड़ा लैमड़ा कितना दिया है भोलो प्रॉब्लम में 698 नैनोमीटर 698 नैनोमीटर तो 698 नैनो यानी टेन टू दावर माइनस नाइन मीटर क्लियर किया तो ये दोनों वैल्यू रखो यहाँ तो लैमड़ा दिया है बेटा 698 नाइनटी एट टेन टू द पावर माइनस नाइन और थ्रीटा है बेटा ये पाई बाय 90 तो ख्याल में रखो ये न्यूमेरेटर ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का डिवीजन में तो जो टर्म है वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है न्यूमेरेटर में चला जाता है कहाँ चला जाता है बेटा न्यूमेरेटर में तो मैं अभी ये इधर लिखता हूँ तो ये डी इक्वल टू सिक्स नाइनटी एट यानी नियरली अबाउट सेवन हंड्रेड न रे बाबू रे सेवन हंड्रेड ये टेन टू पावर माइनस नाइन और ये नाइनटी चले गए अप अपॉन ये पाय बचा बेटा पाय अच्छा तो ये सेवन नाइन जा हाँ सेवन नाइन जा बोलो या नाइन सेवन जा सिक्स्टी थ्री और एक दो और ये तीन जीरो और ये ऑलरेडी टेन टू द फॉर मायनस नाईन आपॉन य थ्री पॉइंट वन फोर अच्छा सिक्स थ्री जीरो 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 इसके सामने कुछ नहीं मतलब पॉइंट जीरो दे सकते है की नहीं और इस पॉइंट को मैं चार डिजिट बैक लेके आता हूँ तो ये हो गया सिक्स पॉइंट थ्री चार डिजिट बैक तो टेन टू द पावर फोर ये ऑलरेडी टेन टू द पावर माइनस नाइन अपॉन थ्री पॉइंट वन फोर ये सिक्स पॉइंट थ्री यानी सिक्स पॉइंट थ्री जीरो रे बाबू क्लियर क्या तो थ्री पॉइंट वन फोर का डबल करोगे तो उतना ही आएगा कितना सिक्स पॉइंट थ्री जीरो हाई है ना अरे थ्री पॉइंट वन फोर यानी थ्री पॉइंट वन फाइव थ्री पॉइंट वन फाइव का डबल सिक्स पॉइंट थ्री जीरो तो ये आ गया टू और ये टेन टू पावर फोर माइनस नाइन यानी माइनस फाइव तो टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस फाइव मीटर ये आंसर होना चाहिए लेकिन आप बोलेंगे सर ये आंसर नहीं है हाँ तो क्योंकि आंसर मिलीमीटर में दिया है किस में दिया रे बाबू तो आप क्या करते हैं डी वैसा ही इधर लिख सकते रहे बाबू रे हाँ तो ये टू टेन टू दावर माइनस फाइव यानी टेन टू पावर माइनस टू टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर तो डी इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर यानी मिलीमीटर और ये टेन टू पावर माइनस टू अगर आपको नहीं चाहिए तो ये टू के दो डिजिट पहले क्या दो पॉइंट दो तो क्या आ गया जीरो पॉइंट जीरो टू मिलीमीटर ये आंसर कौन सा ऑप्शन बोलो ऑप्शन Si sí, yes yeah,